का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है आप सभी लोगों के डाउट को लेने वाले हैं और आप सभी लोगों के द्वारा जो है बहुत सारे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। मुझे लगा कि ये सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है और मैं बता दूं कि ये सवाल का जवाब मैंने पिछले बहुत बार दे दिया है, लेकिन आप सभी लोग फिर भी उस सवाल को रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बार मैं आप सभी लोगों को और जवाब दे दूँ। तो जैसे कि ये 5 इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन आपके कमेंट से लिया है, जो कि आपके कमेंट में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि लाइव क्लासेस क्यों नहीं होते हैं। आप सभी लोगों के द्वारा जो है पूछे जा रहे हैं कि लाइव क्लासेस मैं क्यों नहीं लेता हूं, तो इसके कारण है, मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूं, प्रतिदिन लेना चाहता हूं, लेकिन यह कारण क्या है वो मैं बता दूं कि जो मेरा घर है वो विलेज एरिया में पड़ता है, जो मेरा घर है वो टाउन से थोड़ा जो है अंदर पड़ता है, जहाँ पर जो है वाईफाई की सुविधा जो है अभी नहीं आई हुई है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से जो है मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाता हूँ। ऐसे में बता दूं कि मोबाइल से मैं लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो नेटवर्क इशू है बहुत ज़्यादा आती है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। अब मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू करूँ और उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए तो पढ़ाने का मज़ा ही जो है किरकिरा हो जाता है, तो इसलिए जो है लाइव क्लासेस मैं नहीं लेता हूँ। ऐसे मैंने प्रयास किया है, बहुत जगह बात किया है कि यहाँ पर वाईफाई लग जाए, अभी जो है मेरी बात हुई है जियो कंपनी से, तो उनका कहना है कि एक व्यक्ति के लिए उतना दूर आना संभव नहीं है, आप वेट कर ले 2-3 मंथ, आपका ऑटोमेटिक जो है वहां पर उस एरिया में वाईफाई लग जाएगी। मतलब कि हमारे एरिया में जो है वाईफाई की थोड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, इसलिए नहीं हो पाती है। ऐसे में नेट जो मेरा मोबाइल का नेट है उसमें मैं बहुत ज्यादा नेट यूज करता हूं, अप्रॉक्स में प्रतिदिन जो है कम से कम 20 से 30 GB का नेट यूज करता हूँ, फिर भी जो है ये प्रॉब्लम आती है लाइव क्लासेस लेने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर से, आप लोग भी थोड़ा सचेत होकर पढ़ते रहेंगे, अपलोडेड वीडियो आपको मिलते हैं डेली बेसिस पर, उसी को बेहतर तरीके से पढ़ें। ऐसे में प्रयास कर रहा हूँ कि लाइव क्लासेस आपके लिए जाए जी। अगला जो आपका प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि इंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, और यह प्रश्न जो है इतना बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, और इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ऐसे मैं बता दूं कि मैंने यहाँ तक बोला कि आप लोग ईमेल और कॉल भी करें, मैंने साइट भी बताया, उनका नंबर ईमेल दोनों बताया, फिर भी कितने लोगों ने बोला कि मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे लेट नहीं है, तो मैंने भी सोचा कि छोड़ो यार, जो भी है वो ऑटोमेटिक आएंगे डेट, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ अभी कि आपके नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं, और मैं भी सुनने में आ रहा है कि 15 से जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, 15 से मतलब कि एडमिट कराना शुरू हो जाएंगे और एग्ज़ाम डेट भी है, इसी मंथ में आ जाएंगे, तो ये जो है मुझे लग रहा है, और मैंने बात किया है तो मुझे वहाँ से यही पता चला। ऐसे में बार बार यही बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, देखिए कब तक हो रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के हाथ में है, हमारे कहने और आपके कहने से कुछ होने वाला तो है नहीं, फिर भी एक प्रयास जो है जारी है जी। अगला प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का एग्जाम रिजल्ट कब आएगा। तो इसके लिए तो मैंने बताया हूँ कि आपका ये मंथ जो सितंबर आ रहे हैं, इसके लास्ट वीक तक जो है आपके एग्जाम आने की संभावना है। जो आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर के मूल्यांकन है वो हो चुकी है, और अब जो है उसका इवेल्युएशन खत्म हो चुका है, अब जो है आपका रिजल्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और आपका रिजल्ट जो है मे बी इसी जो आपका सितंबर आ रहे हैं इसके लास्ट वीक तक जो है आ जाएंगे जी। अगला जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि सीटेट की फॉर्म कब आएगी, सीटेट का जो फॉर्म है वो कब आएगा। तो सीटेट का फॉर्म जो है नेक्स्ट मंथ, मतलब कि सितंबर माह जो है आप सभी लोगों के लिए, जो डीएलएड कर रहे हैं, जो डीएलएड इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट करना चाह रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो चारों पांचों लोगों के लिए जो है बेहद महीना आने वाला है, क्योंकि इसी महीने में जो है बहुत कुछ उलट पलट होने वाला है, मतलब कि रिजल्ट भी आएंगे, इंट्रेंस के रेट भी आएंगे, सीटेट के फॉर्म आएंगे, तो इसके ऊपर आने वाले हैं। तो जो आपका अगला महीना है सितंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है सितंबर माह में होने वाले हैं जी। अगला यहाँ पर देख लीजिए आपका है सेकेंड ईयर और सीटेट की क्लास कब शुरू होगी। ऐसे इंट्रेंस की क्लासेस तो अपलोड वीडियो में मिलते हैं, लेकिन सीटेट और डीएलएड के सेकेंड ईयर की क्लास जो है नहीं चल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट मंथ जो आपका नेक्स्ट वीक आने वाला है 1 या 2 सितंबर से जो है आपके सीटेट और जो आपका डीएलएड सेकेंड ईयर के क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें जो है आपको नोट्स प्लस आपके थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे, तो ये भी जो है आपके मन में जो डाउट थे वो खत्म हो गए होंगे, और ये होंगे क्लास इंट्रेंस के क्लासेस 2 दिनों से बंद थे, वो लाइट के इश्यू से, लाइट का पावर ऑफ हो गया था जिसकी वजह से लाइट नहीं आ पा रहा था, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है आपके इंट्रेंस के क्लास होंगे और जो आपके लाइव क्लासेस है इसके कारण मैंने बता दिया। फिर आपके इंट्रेंस के जो एग्जाम के डेट है आपका सितंबर में आने वाले हैं, फिर आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी जो है सितंबर में आने वाले हैं, फिर आपका सीटेट का फॉर्म भी जो है सितंबर में ही आने वाला है, और ये जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो क्लासेस है और जो सीटेट के क्लासेस है ये भी आपके जो है सितंबर माह में स्टार्ट होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपके जो मन में डाउट थे वो सभी खत्म हो गए होंगे, तो आपके जो भी डाउट होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।